ट्रांसपोर्ट बिजनेस में टेलीमेटिक्स का काफ़ी बड़ा महत्व है, जिसकी वजह से आप गाड़ियों की ट्रैकिंग कर सकते हैं, फ्यूल लेवल ट्रैक कर सकते हैं और अन्य कई सारे पैरामीटर्स पर आप ध्यान रख सकते हैं। इसी टेलीमेटिक्स की वजह से आप एक हैजल फ्री बिजनेस रन कर पाते हैं और ये टेलीमेटिक्स फीचर आपको टाटा मोटर्स के सभी कमर्शियल व्हीकल में मिलता है, जिसे आप फ्लीट एज के नाम से जानते हैं। आज हम इसी फ्लीट एज के कस्टमर श्री पराग संघवी सर से मिलेंगे और जानते हैं उनसे उनके फ्लीट एज के अनुभव के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। सबसे पहले आपके बारे में बताइए। मेरे बारे में, मैं पराग किशोर चंद्र संघवी है मेरा नाम। मैं एच मंगलदास का ओनर हूँ और हमारा कस्टम ब्रोकर का काम है। हम लोग ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में पहले से थे, बट हम लोग थर्ड पार्टी यूज़ कर रहे थे। तो अभी 2011 में हम लोग ने पहले 3 गाड़ी ली टाटा की, उसके बाद में आज अभी तक हमारे पास 46 व्हीकल है और बेसिकली केमिकल्स में चलती है। और सर, अभी आप फ्लीट एज यूज कर रहे हैं टाटा मोटर्स का, ओके, तो इसके बारे में आपके क्या विचार है? कोविड के बाद हम लोग ने फ्लीट एज जो BS6 गाड़ी है उसके लिए यूज कर रहे हैं। पहले भी था 2 गाड़ी हमारे पास, बाद में हम लोग ने ऑलमोस्ट 19 गाड़ी ली अभी BS6 की। उसमें फ्लीटेक्स में हम लोग को बेनिफिट होता है, एक तो ट्रैकिंग कहाँ है तुरंत बता सकते हैं, कितना डीजल यूज हुआ, कितना बर्न हुआ वो भी मालूम पड़ता है, यूरिया है कितना यूज होता है, प्रिकॉशन के हिसाब से कभी आपको सर्विस कराना है वो भी अपडेट हम लोग को आते रहता है उसमें, कि इतना किलोमीटर के बाद आपको सर्विस है, वो सब आपको अपडेट आ जाता है और मोबाइल पे है, इजी है। ओके, लैपटॉप के कभी कभी हम लोग जाके अंदर डिटेल में जाते हैं। अगर कोई नया फ्लीट ऑपरेटर अगर टाटा मोटर्स का फ्लीट एज यूज करना चाहता है तो क्या उनके लिए फायदेमंद होगा? क्यों नहीं, 100% फायदेमंद है। जैसे कि मैंने बताया कि उसमें क्लियर बराबर मालूम पड़ता है। हाँ, जैसे ये पेट्रोल पंप है उसमें 1-2% का डिफरेंस आता है कभी कभी कोई कोई पेट्रोल पंप पे, इसलिए हम लोग वो भी ध्यान रखते हैं कि पहले ही गाड़ी रुकाने के बाद डीजल लेवल फ्यूल गेज जो है अपना वो एकदम शांत हो जाता है, उसके बाद हम लोग को बोलते हैं भरने के लिए कि तो करेक्ट आता है। कभी कभी कोई पेट्रोल पंप में भी प्रॉब्लम होता है हम लोग वेरीफाई करवा लेते हैं कि कितना बर्न हुआ बाद में। फ्लीट एज का आपको कौन सा फीचर सबसे अच्छा लगता है? सबसे अच्छा लगता है डीजल कितना बर्न हुआ हो उसमें क्लियर करके मालूम पड़ता है, पर जैसे जैसे उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है तो वो इन सब से और परफेक्ट आ रहा है। फ्यूल मॉनिटरिंग सिस्टम आपको काफ़ी अच्छी लगती है? फ्यूल ट्रैकिंग सिस्टम और व्हीकल तो ट्रैकिंग है ही, वो तो जब ही हम लोग ने 2011 में स्टार्ट किया था, दूसरा ऑपरेटर था उसका, इमीडिएटली हम लोग लगाया, क्योंकि हम लोग टोटल लॉजिस्टिक में है, हम लोग प्योर ट्रांसपोर्टेशन नहीं करते, हम लोग कस्टम क्लियरेंस करने के बाद ही हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं। और सर, आपकी जो कंपनी है वो खासकर हैजार्डस गुड्स ट्रांसपोर्ट में ज़्यादा एक्टिव है, इस सेगमेंट में आपके लिए फ्लीट एज काफ़ी फायदेमंद साबित हुआ। करेक्ट, और उसका जो भी मॉनिटरिंग जो फ्यूल का कुछ आ जाता है हम लोग को हाईलाइट करते हैं कि ये प्रोडक्ट नहीं चल रहा है बराबर, तो उसका लाइट आता है और उसमें से इमीडिएटली ड्राइवर जो है हेल्पलाइन है टाटा मोटर्स के जो एजेंट है ऑथराइज डीलर उसका नंबर है हमारे पास जो नियर बाई है, उनको डायरेक्ट कॉल कर लेते हैं और वो लोग उसको सपोर्ट करते हैं। और सर, अगर कोई ऑपरेटर टाटा मोटर्स के फ्लीट एज को खरीदना चाहे तो क्या आप नए ऑपरेटर को रिकमेंड करेंगे इसे? हाँ, मैं हमेशा करता हूँ, मैं टाटा प्रोडक्ट को ही करता हूँ, मतलब टाटा बहुत अच्छा है क्योंकि रिक्वायरमेंट और सर्विस वाइज और जो स्टाफ लोग का बताना और रिस्पेक्ट देना वो बहुत अच्छा है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपके वैल्यूएबल फीडबैक के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।